नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, फिलहाल बिहार दौरे पर हैं। आज सोनपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान में आज शामिल हुए और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुने। सत्ता प्राप्त करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपना देश बनाने के लिए है, जनता की जिंदगी बनाने के लिए है। और ये अंतर देखिए भारतीय जनता पार्टी में, बाकी सब पार्टी एक एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद राजीव जी, उसके बाद राहुल जी, उसके बाद प्रियंका जी, और उसके बाद प्रियंका जी का बेटा बेटी तैयार है। दूसरे का नंबर ही नहीं लगने देते, कभी लगने देते क्या दूसरे का नंबर? अरे लगने, एक नहीं दो दो राजकुमार अब कौन बने, इसी का चक्कर फंसा हुआ है। ये परिवार के अलावा नहीं सोचते, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है भारत का भाग्य बनाने के लिए। हमारी पहली जोड़ी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्हें जनसंघ खड़ा किया, जनसंघ को आगे बढ़ाया। फिर आए श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी। ये भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान। भगवान भी चाहता है कि ये देश बने तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बने अपना प्यारा भारत। ये पटना पाटलिपुत्र हवा है, केवल यही हमारा कब्जा नहीं था। अफगानिस्तान चले जाए, ईरान चले जाए, आप दक्षिण में चले जाए, आप पूरब में चले जाए, दुनिया के कई देशों तक सम्राट अशोक का राज पताका फहराती थी सम्राट अशोक की। तो जैसा कि आपने सुना, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनपुर में एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि BJP ही एक ऐसी पार्टी है जो कि देश के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार में ही अटका रह गया है। आप बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।